मेरा वलीमे का जो मैंने कोट पहनना है वो मेरे पास है ही नहीं। बचपन में हम भी स्कूल से जाते होंगे। लो भाई, ये है आज का हॉल। तो अभी हम चलते हैं, आज का फंक्शन अटेंड करते हैं, देखते हैं आज का फंक्शन कैसा होता है। हम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, शहर की शादी सारी खैर खैरियत से होगी है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेडिंग का लास्ट दिन, वलीमा, आज है वलीमा। और बिल्कुल थकावा नहीं हूँ मैं, कोई मसला नहीं है, सब ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल फ्रेश हूँ मैं, बिल्कुल सही टाइम से सोया हूँ, बिल्कुल सही टाइम रात बैठ के एडिटिंग मैंने की ही नहीं, तो कोई मसला नहीं। खैर एनीवे, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी हम व्लॉग लगाएं आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि न्यू व्लॉग आ चुका। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब क्या करना क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी के साथ? हाँ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि जब भी कुकिंग में दम्मी और जमाल बदत जब भी व्लॉग लगाएं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि न्यू व्लॉग आ चुका है। जब भी माशाल्लाह तो तीनों दिन डिफरेंट लगे। देखते हैं अम्मी क्या कर रही हैं। अब मैडम यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैडम वलीमा है, वलीमा है, तैयार नहीं होना अपने मैडम? अभी होने लगी हूँ, वो थोड़े से बर्तन दे। तो आशी की कल की तबीयत खराब थी, तो मैंने कहा पता नहीं आए ना आए, तो दो नहीं आ गया, वो आ गई है, लेकिन चलो उसके साथ भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो तैयार हो जाए वलीमे। और एक मजे की बात, मेरा वलीमे का जो मैंने कोट पहनना है वो मेरे पास है ही नहीं। क्यों? नवीद भाई के पास है। नवीद भाई ने बोला था आखिरी दिन दूंगा, अभी जा रहा हूँ उधर वो पिक करने। फोन कर लो ना पहले। हाँ, मैंने कर लिया, आया हुआ है। हाँ जी, तो अभी मैं जा रहा हूँ वो पिक करने, वो भी ज़रूरी है पिक करना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वलीमे का क्या आउटफिट है। नहाना भी पड़ेगा, नहाना भी पड़ेगा, नहाए बगैर चल जाए तो ठीक, मजाक कर दे गल। चलो भाई, अभी चलते हैं हम नवीद भाई की तरफ अपना सूट पिक करने, देखते हैं क्या कैसा बनाया उन्हें वलीमे का। जो ऊपर कोट है, सूट तो मुझे पता है मेरे पास ही है, कोट देखना है कोट कैसा बनाए। तो लेट्स गो, लेट्स सी नवीद भाई ने क्या बनाया है। हमने सूट अपना पकड़ लिया, आखिरी मोमेंट भाई हम नवीद भाई के पास आते हैं कि नवीद भाई आखिरी टाइम पे कुछ दे रहे हैं। तो आज का वलीमे का ये आउटफिट है। तो बाकी जो दो दिन के पिछले तो आपने देख लिए हैं, ये बोला तो चलो आज मैं पहनूंगा, तो ये भी आज देख लेंगे। तो बताएं तीनों दिन के आउटफिट कैसे हैं, और आप लोगों के लिए नंबर वन आउटफिट कौन सा रहे, मेहंदी का, बारात का, या वलीमे का? क्योंकि आपको क्या लगता है कौन सा होगा? मैंने बनाया, मुझे तीनों दिन का ये सियासी बयान है। तो मोहसिन भाई, आपने देखे हैं वैसे, वीडियो देखी थी अपनी? अच्छा, वो अच्छा लगा है, ये चाहते हैं मैं दूल्हा ही बन जाऊं, शादी करें। ये बयान मतलब कि मैं दूल्हा ही बन जाऊं है। चलो भाई, मेरा तो पता नहीं, पर मोहसिन भाई के लिए कोई लड़की छड़की हमें चाहिए, कोई है अगर कोई लड़की छड़की हो मोहसिन भाई से। मोहसिन भाई अपना बताए ना, क्या करते हैं आप? हैं टेलर का काम करते हैं। बस ठीक है, खुश रख लेंगे कोई भी लड़की हुई, बस ठीक, इतना ही बहुत है। क्यों जी? घर चला लेंगे। तो कोई भी लड़की इंटरेस्टेड है ना मोहसिन भाई के लिए, मेरे से रब्ता कर। सूट ले लिया हमने, अब हम चलते हैं घर, थोड़े तैयार श्यार होते हैं, कुछ देखते हैं क्या बने। तो बच्चे आ रहे हैं, देखो बचपन में हम भी स्कूल से जाते होंगे। ये बच्चों की देखे ना, हमेशा अपने बचपन को थोड़ा बहुत याद आ जाता है, हालांकि इतना गुजरा नहीं यहाँ पे, बट जो भी गुजरा थोड़ा बहुत। भाई टेंथ का पीक रश टाइम वापस से शुरू हो चुका है। अम्मी जान तो तैयार व्यार हो गई हैं, ये क्या इतनी जल्दी क्या हो गया? तो तू आखिरी टाइम पे तू फिर इधर भागेगा, मेरी ये चीज़ नहीं मिल रही, मेरी ये चीज़ नहीं मिल रही, इसलिए मैंने तो टाइम पे तेरे कपड़े भी रख दिए हैं ये सारे, और अब तू तैयार हो जा, मैं तो तैयार हूँ बस। लोगों को आपकी मेहंदी पसंद आई थी? हाँ, थैंक यू सब बच्चों का जिन्होंने इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया। आशी बाजी के झाड़ू चल रहे हैं, जमाल की बाजी, आशी बाजी झाड़ू से वो कर रही है, उसकी आवाज है, वो बोलने लगा साथ ही हमने झाड़ू शुरू कर दिया। कह रहे कह रहे नहीं नहीं करें करें आप कर लें, कोई बात, हमारा काम होता रहेगा। तो इसलिए मेहंदी पसंद करने का बहुत शुक्रिया, इतना प्यार देने का, इतना मोहब्बत, इतनी इज्जत देने का शुक्रिया। मैं तो रेडी हूँ, सिर्फ जूता पहनना है और चादर लेनी, चौधरी साहब नहीं राजी होना है। जितनी देर में इन्हें जूता पहनना चादर लेनी ना, मैंने पूरा तैयार नहीं, नहीं, कोई आशी अल्लाह कोई औरत इतनी जल्दी होती है तुम्हारे आए फटाफट? कितनी देर हो गई है, कोई दो घंटे तो हो गए तैयार होते हुए, घंटा हुआ है, मैं तो कब तैयार भी नहीं हूं, घंटा तो हो गया ना। मिनट लेती हूं मैं। हां 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 हां, आपके सामने मेकअप भी कर लिया सारा कुछ, कर दस्ताना मैंने, मेहंदी भी, सही कर दो, बच तैयार हो गए। हां वही ना,
बाजी की स्पीड है पता नहीं भाई, औरतें बड़ा टाइम लेती हैं तुम्हें, जब तुम्हारी बेगम आएगी फिर अम्मा कहते रहेगी कि औरतें जल्दी तैयार होती हैं कि ले ये हालत है शादी के बाद, चप्पलें देनी पड़ती है फिर तो हंस रहा था वो भी ना। नहीं ऐसे कोई हाल नहीं मेरे होने वाले, हम भी तैयार अंदर ही पहन ली मैंने, तैयार हो गए। तो अभी एक आंटी आई थी मिलने, उन्होंने कहीं हमारा घर ढूंढ लिया तो वो आई थी मिलने, तो थैंक यू सो मच आंटी आप मिलने के, सॉरी आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे सके, हम बिल्कुल निकलने लगे थे, तो आप प्लीज़ वापस आइएगा। रेडी खड़े थे इसलिए, तो मैंने तो कहा आप आएँ थोड़ी देर रुकें। नहीं बहुत हम्बली में के लिए, उन्होंने भी देख लिया निकले थे तो बहुत अच्छा लगा आप आइए, सॉरी अगेन आपको हम टाइम नहीं दे सकते, आप ज़रूर आप वापस आइएंगे तो आप ज़रूर चक्कर लगा निकलें, क्योंकि हमें ना क्रीम मिल रही है ना ऊबर मिल रही है, रश टाइम है इतना ज़्यादा, इन ड्राइव कोई एक नई ऐप है वो भी की है नहीं मिल रहा कुछ, तो शुक्र है कि रेस्टोरेंट पास है, हॉल पास है तो पास ही है, तो अब हम चलते हैं रिक्शा जिंदाबाद। नहीं है तो नहीं है भाई, पहुँचना है, ये बिल्कुल साथ ही है वैसे, है सदर में तो दूर होता तो मसला होता पर साथ ही है। क्यों जी हमें कोई मसला नहीं, हम तो मर्सिडीज पे बैठ जाते हैं, दूसरे पे बैठ जाते हैं, रक्षे पे बैठ जाते हैं, इंसान को हर हाल में हर जगह सेट होना चाहिए। चलो चलो वो लॉक कर दिए, सारा लॉक है, बिस्मिल्लाह करें निकले। ओ भाई चलो 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 चलो। आंटी कहती है हमने इस घर के कलर से निशानी रख के आ गई, तो भाई अब हम जा रहे हैं, अब हम निकलते हैं शादी के लिए। क्यों जी अम्मी? हाँ शादी के लिए निकलते हैं, फंक्शन है उनके, दिन का फंक्शन है, मैंने वॉलेट रख ली, वॉलेट भी रख ली, सब कुछ है, फिर कोई टैक्सी मिल गई टैक्सी ले लेंगे, ना मिली तो फिर जो भी ऑप्शन मिली, टैक्सियाँ भी मिल जाती हैं अक्सर, जो ऑप्शन मिली हमें कोई मसला नहीं, कोई 10 मिनट दूर है सदर, सदर तक जाना है हमें। अच्छा भाई काफ़ी देर से हम इंतजार कर रहे हैं तो टैक्सी मिले, पर टैक्सी कोई नहीं तो हम रिक्शा ही रोक लेते हैं। सदर मोनाल, मोनाल होटल सदर, कितने पहले मोनाल कितने बता रहे हैं तैयार हो गया रिक्शे में? ये वो बात है कि मैं नहीं है, गुरूर नहीं है, तकब्बर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है जो मिले उस पे उस हर हाल में खुश हो। लो भाई ये है आज का हॉल होटल जो भी, इसका रास्ता किधर से है, हम चलते हैं वलीमा की रिसेप्शन एक्सेप्ट करने, चलें जी अम्मी क्या चलें सीढ़ियाँ चढ़ें, तो अभी हम चलते हैं आज का फंक्शन अटेंड करते हैं, देखते हैं आज का फंक्शन कैसा होता है। ये है सदर, जो लोग इधर रहते हैं उनको तो पता होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है? ये भाई सारा वनीमे का फंक्शन है, स्मॉल छोटा सा फंक्शन है बस, फैमिली छोटा सा फैमिली फैमिली का फंक्शन है ना। मैंने कहा भी इधर मैं बैग रखा है, मैंने कहा मैं स्पीच दे दूँ, वो ही रह गई नहीं तो हर बात पे स्पीच तो वैसे होती है आंटी की, तो उसमें सारे मेरी स्पीच भी सुन लें, कुकिंग विद अम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें। अच्छा ये जी ये रानी बाजी हैं, हमारी दोस्ती बड़ी पुरानी, आप सारे कहेंगे दोस्ती बड़ी पुरानी है, जब से हम मतलब नजाबाजी से तो बड़ी बात नहीं हुई, तो ये जो जिनकी बेटी की शादी है उनकी काला भी है बेटी की, तो मेरी भी दोस्त है, तो कह रही थी मैं तुम्हारा जो है ना ब्लॉग देखती हूँ, शोर बहुत है, बहुत अच्छा शोर बहुत, तो कह रही आज भी मुझे कह रही मैं तुम्हारे सारे ब्लॉग देखती हूँ। अभी दुल्हन आ गई ना इसलिए शोर हो गया, अभी दुल्हन वगैरह आ गए सारे इसलिए शोर हो गया। चलो भाई दूल्हा दुल्हन की एंट्रेंस हो गई है, दुल्हन आ गई है, हम लोग वेट कर रहे थे, अब उस वक्त हमने वीडियो बनाई, शोर बहुत था, तो ये रानी बाजी हैं, ये मनाजा बाजी की बड़ी सिस्टर है, और ये जो है ना मेरी दोनों दोस्त हैं, तो पहले रानी बाजी दोस्त थी फिर मनाजा बाजी थी, तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती चल रही है, बड़े सालों से अल्लाह का शुक्र है बड़ा टाइम से निभी है हमारी, और अभी हम इकट्ठे बैठे हैं बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो हमें भी सबको ब्लॉग में ले लो। मनाजा आंटी को आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, शहर की शादी सारी खैर खैरियत से होगी है, बात करे कामयाब करे, तो बड़ा अच्छे फंक्शन हुए हैं दोनों, मेहंदी का ब्रांड का बड़ा अच्छा रहा सारा फंक्शन, थैंक यू आप लोगों का कि आपने हमें बुलाया। नहीं नहीं हमारा आने का कोई थैंक यू नहीं, हमारी बहन है क्यों नहीं हमने आना था, मुबारक हो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है।
दोनों ही बड़े प्यारे लग रहे हैं। दूल्हे को भी मुबारक दे रहे हैं। हाँ, दूल्हे को भी दे रही है ना, भी अपनी बेटी को भी दे रही है, दूल्हे को भी दे रही है। मेहंदी का फंक्शन हो गया, वलीमे का फंक्शन हो गया खत्म। अब हम लोग जा रहे हैं वापस, क्रीम नीचे आ चुकी है, चलते हैं। क्या कह रही है? लंबा नाम ही पीछे दो तीन फंक्शन, दो फंक्शन गुजारे होते हैं ना, गुजारे होते हैं। वलीमा एक देख वलीमा करना चाहिए। वलीमा तो वैसे भी मुझे बोरिंग ही लगता है। ओ मेरे ख्याल से आई भी है वो उस तरफ, नहीं नहीं हाँ वही ये है सामने, अम्मी उस तरफ, अम्मा भी ना मेरी, ये सामने वाली गाड़ी है। कैसे आज चलो मैडम चलें, शुक्रिया काफ़ी ज़्यादा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आप जाएँ भाई, हम अपने टेंच वापस पहुंच चुके हैं। चलो अम्मा जी चलिए। वैसे जब भी माशाल्लाह तुझ तीनों दिन डिफरेंट लगे, नवीद ने अच्छे तेरे कपड़े बनाए। नीचे आप लोग अब रेट बताओ, रेट करो। मेहंदी अच्छा था, बड़ा अच्छा था क्या वलीमा? तीनों दिन का बड़ा अच्छा रहा है और बड़ा अच्छे कलर लगे हैं इसमें। नवीद को 10 में से 10 मिलते हैं और माशाल्लाह वो हमेशा अच्छे बनाता है। कि जिस भी फंक्शन में पहने हैं ना जेबी ने, सबसे ही डिफरेंट, यहाँ जेबी डिफरेंट है तो मसला तो एक है। जेबी तो शहजादा है, शहजादा लगता है। कई बार बस हो गई है, बार बार फोटो आनी अच्छी है, बननी है अंदर बननी है। अच्छा जेबी पता क्या करता है, जिस जगह बैठता है कोट उतार देता है, आज तो एसी के सामने बैठा फिर नहीं उतारा बिल्कुल। भाई पर सच्ची बताओ, एक किस्म की ना इससे ज्यादा दिन तैयार नहीं होने होता। हाँ वलीमे पे तो सबका एंड हुआ हुआ था ना, इसलिए हमने ट्राई की थी माजरत चल जाए पर नहीं चल सकी, पर चलो कोई ना। फिर वो बार बार दोनों मियाँ बीवी आ गए, फिर कहने लगे, तो मैंने कहा अब ऐसे भी नहीं है, फिर वो सर दर्द की दवाइयाँ खा को के माइग्रेन की, इतने दिन नहीं आंटी चल सकती, इससे ज्यादा नहीं। नहीं वैसे नॉर्मल भी बंदा एक दो दिन तैयार हो सकता है, रोज रोज तैयार होना पड़ेगा बंदे का दिल ही नहीं करता फिर तैयार होने का। भाग दौड़ ये वो, शादी में पहुंचो ऊपर से याद हो ना आप, बिल्कुल आप इधर रहते हो, आप कंफर्टेबल अपनी गाड़ी निकाली पहुंच गए, अब यहाँ पे हम लोग रहते नहीं है तो मतलब ना उस तरह बंदे को कंफर्टेबल भी नहीं है कि गाड़ी निकालो पहुंच जाओ जहाँ पहुंचना है। बट इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ, हर पार्ट ऑफ लाइफ को इंजॉय करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अक्सर लोग ना, मैं पाकिस्तान में देखता हूँ कि अक्सर लोगों का ना ये होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा ये चीज़ों का होता है, ये गाड़ी हो, ये तरीका हो, ये सब कुछ हो। मुझे लगता है, आई डोंट नो, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, आप बताना, कि इंसान को ना हर सिचुएशन में सेट इन होना आना चाहिए। अब ये नहीं कि आप बाहर से आए हो तो आप नखरों में बैठे रहो कि मैं इस जगह पर क्यों जाऊँ, मैं इस जगह क्यों बैठूँ, मैं इससे क्यों मिलूँ, मैं ये क्यों ना करूँ। मतलब मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से सिखाया कि भाई जो अपनी चीज़ है उसमें उसको 100% इस्तेमाल करो, जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, अपनी चीज़ है जो मर्जी करो, पर किसी से कोई चीज़ मांग के यूज़ ना करो। हालांकि अपने हमारे कितने रिलेटिव्स हैं, कितने सब कुछ हैं, सब मतलब एक बार कॉल करें तो मतलब गाड़ियाँ सब कुछ दे जाएं, मतलब वही है ना है। पर मेरे माँ बाप ने हमेशा यही सिखाया है कि भाई अपनी चीज़ अपनी होती है, अपनी चीज़ हमेशा इस्तेमाल करनी चाहिए। नहीं और दूसरा ये है कि बच्चों को इसमें मतलब बहुत, मैं समझती हूँ कि आजिज़ी ज़रूर रहनी चाहिए। ये नहीं कि हम कहेंगे हम वो गाड़ी इस्तेमाल करते, हमारा घर हमारी गाड़ी क्या है, कोई ले गया साथ, हमने भी नहीं ले के जानी। ये दुनियाई चीज़ें हैं, इन पे नहीं इतना गुरूर और तकब्बर होना चाहिए। जिस जगह हो उसके हिसाब से चलो, और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ना करे किसी की चीज़ का कोई नुकसान हो जाए, अपनी का हो भी जाए ना 100 मसले हल हो जाते हैं, करवा देंगे ही, लेकिन ये है कि बेहतर है। और दूसरा बच्चों में ये नहीं है कि ब्रांड, हम खुद ब्रांड है, अल्लाह ने हमें ब्रांड बनाया इंसान, ये चीज मतलब हम खुद ब्रांड, खुद ब्रांड, अल्लाह ने इंसान को खुद ब्रांड बनाया। नहीं वैसे मैंने ये चीज़ नोटिस, नहीं मैंने शादियों में वैसे मैंने आगे ना बहुत नोटिस किया है कि हर बंदे को बहुत ब्रांड कॉन्शियस है, बहुत इमेज कॉन्शियस है कि मेरी इमेज अच्छी लगे, मेरी इमेज ये रहे, ठीक है भाई तो सबका दिल करता है हम अच्छे लगे हैं, और सबको अच्छे लगने की बात नहीं कर रहा मैं, ब्रांड की अच्छा। मैं एक बात कर रहा हूँ कि वो कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है कि मतलब हम बहुत वो लगे कि हम बड़े कोई चीज़ हैं, बाकी सब कुछ भी नहीं, ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की। बट चलो कोई बात नहीं, पता है क्या मैं समझती हूँ, जो समझते हैं ना हम बड़ी चीज़ है। मेरी अम्मी ना
एक मसाल देती होती थी पंजाबी की कहावत बताती हूँ कि वड्डा बर्तन होवे उहदे विच जो मर्जी पाओ वो डुलदा नहीं। खानदानी बंदा जिहड़ा ना वो डुलदा नहीं, तो बेनसला जिहड़ा वो इन्ना सारा भी भरिया जाए तो वह छल छल करके बाहर आ जांदा। इस तों खानदानी लोगों नाल बहन उठन रखो और खानदानी होवो तो पता चल जाए। ये बात अब मैं सोने लगाऊं। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, बाद में मिलते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके गाइस, अभी मैं उठा हूं वापस। रात हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो बाहर रात का टाइम हो चुका है, तो आई नीड टू गो ग्रैब सम रोटीज और सम पानीज फॉर माई सेल्फ। तो लेट्स गो। यहाँ से हम लेते हैं रोटी। लो भाई, पानी की बोतलें हम ले लिया। वापसी पे हम पकने के रोटीज उसको ऑर्डर दे आए थे, उससे रोटीज भी ले ली हमने, पानी भी ले लिया। अब हम वापस चलते हैं घर, घर जाके अपना कोई खाना खाते हैं। ओके गाइस, उसी के साथ आज का व्लॉग मैं करता हूँ एंड आई होप आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड आपको मिलूंगा मैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, पीस, बाय बाय।